प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पृथ्वी के अंत के बारे में देख रहे हैं और पृथ्वी के अंत के बाद में क्या होगा वो हमने देखा था, फाइनल जजमेंट होगा। और फाइनल जजमेंट के बाद में जो है अनंत नरक और अनंत स्वर्ग होगा। और पृथ्वी के अंत के जस पहले हमने जो है वो दो तीन चीजें देखी थी। उसमें से ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर जब आएंगे तो 1000 वर्ष के लिए जो है राज्य करेंगे, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया। और मिलेनियम किंगडम के अंत में जो है फाइनल वॉर जो शैतान से उसकी ताकतों से होगा, जिसका वर्णन जो है 1000 वर्ष के उस राज्य के बाद में शैतान से जो अंतिम युद्ध होगा, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पद 7 से 10 में आया है। और मिलेनियम किंगडम के पहले प्रभु ने शैतान से जो है युद्ध किया था, और शैतान से युद्ध के पहले शैतान की दोनों ताकतों से, दोनों रूपों से भी युद्ध किया था, जिसका वर्णन 19वें अध्याय में है। सो हम ये सब लगभग जो है डिटेल में देखेंगे। सो आज जो हम देख रहे हैं वो है फाइनल युद्ध जो मिलेनियम किंगडम के बाद में, जो 1000 वर्ष के बाद में होगा, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पद 7 में आया है। और मैं आपके लिए वहां से पढ़ रहा हूं। वहां यूं आया, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा, और वह सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और 1000 वर्ष के बाद जब शैतान छोड़ दिया गया तो उसने पृथ्वी पर जो है तमाम लोगों को, जिनका नाम यहां आया याजूज और माजूज, 8वीं आयत में आप देखें, पृथ्वी के चारों ओर होंगे उन जातियों को, अर्थात याजूज और माजूज को। तो इस युद्ध को एक प्रकार से याजूज और माजूज का युद्ध भी कहा जाता है। और प्रभु ने, जब शैतान ने इनको इकट्ठा कर लिया और पवित्र नगर यरूशलेम को घेर लिया, यरूशलेम का नाम नहीं आया लेकिन यह आया कि पवित्र नगर को घेर लिया है, तब स्वर्ग से आग गिरी और शैतान को उन्होंने जो है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जो शैतान की त्रिएकता के दोनों रूप थे, जिसका वर्णन हमने 12वें अध्याय से देखा था, 13वें अध्याय में देखा। और शैतान के ये त्रिएकता के जो रूप थे, जहां वो पहले ही उस युद्ध में हार करके डाल दिए गए थे, वहां से शैतान भी डाल दिया जाएगा, और वे युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। देखिए, शैतान ने यही सोच करके तो परमेश्वर का विरोध किया था कि मैंने जीवन के पेड़ का फल खा लिया है और
अब मृत्यु मेरी ना होगी, मैंने भले और बुरे के वृक्ष के फल को खा लिया है, अब मुझ में समझ है और मैं परमेश्वर से बड़ा होना चाहता हूं, परमेश्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उसकी गलत फहमी थी और इसीलिए मैंने कहा था कि पृथ्वी बनने के पहले परमेश्वर ने नरक को बनाया। पृथ्वी के बनते समय या पृथ्वी के बनने के समय में उसका अंत निर्धारित हो गया और हम इस रीति से इसे देख रहे हैं। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो जैसा ये फाइनल वार जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 7वां अध्याय 20वां अध्याय 7 से 10 आयत में आया है और प्रभु जो है वो बताते हैं कि फाइनल वार ऐसा होगा। और हमने देखा कि ये जो है पृथ्वी का अंत होगा, ये उस न सिर्फ पृथ्वी का अंत होगा, इसके बाद जो शुरुआत होगी वो नया आकाश, नई पृथ्वी, और जिसका वर्णन 22वें अध्याय में आया है। सो जिसका प्रभु ने जो है वर्णन किया और ये सिंबॉलिक मिलेनियम जिसका वर्णन जो है 20वें अध्याय 7वीं आयत में कहा गया, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, तब शैतान उस जंजीर में से, उस जगह से जहां वो बांधा गया है, छोड़ दिया जाएगा और जो है उसको ये मालूम पड़ गया है कि ये अंतिम समय है। सो उसने वो आखिरी कोशिश करी और वो आखिरी कोशिश ये थी कि उसने जो राष्ट्र थे उनको फिर से बहकाया, फिर से डिसेप्शन या बहकाया, ऐसा बाइबल में लिखा गया। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे उनको इकट्ठा किया और उन जातियों के नाम जो है यहां पर लिखे हुए हैं, गोग और मागोग जो है इनके नाम लिखे हुए, और जो है ये जातियां जो है शैतान के चुंगल में आ गई और जो है परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान के साथ में इकट्ठी हो गई और पृथ्वी पर छा गई। और लिखा है कि उन्होंने पवित्र नगर यरूशलेम को या पवित्र नगर को घेर लिया और इसीलिए ये गोग और मागोग को, इस जो लड़ाई को है, गोग और मागोग का लड़ाई या गोग एंड मागोग वार भी कहा जाता है। और ये वो नेशन थे जो प्रभु यीशु मसीह पर नहीं वरन शैतान पे भरोसा कर रहे, और इनकी गिनती लिखा हुआ है, इनकी गिनती बालू के किनकों के समान थी, ये बालू के किनकों के समान थी, और वे इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि इससे जो है परमेश्वर को हरा देंगे। और उन्होंने पवित्र नगर कलीसिया और इस 1000 वर्ष में जो लोग थे उनको घेर लिया। और आपको याद है कि इस मिलेनियम किंगडम में कई लोग जो है प्रभु के साथ में, जो जिनका जो है सर कत्ल कर दिया गया था प्रभु के वचन के कारण और गवाही के कारण, वे जीवित हुए थे और संत लोग
जिन्हें परमेश्वर ने चाहा, वे जो है जीवित होकर के प्रभु के साथ 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर जी रहे थे। और ये राज्य पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर था। ये गोग और मागोग जाति भी पृथ्वी पर पवित्र लोगों के विरुद्ध में, ऐसे लोगों के विरुद्ध में इकट्ठी हुई जो शहीद हुए, जिनके सर परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण काटे गए। और शैतान ने सोचा कि अब की बार में आखिरी लड़ाई, और वे इन राष्ट्रों को लेकर के उसने ऐसा किया, लेकिन इस बार कोई निकला ही नहीं स्वर्ग से। लिखा है स्वर्ग से आग गिरी और उन्होंने इन्हें भस्म कर दिया। स्वर्ग से आग गिरी, स्वर्ग से आग गिरी। कोई दूत नहीं निकला, न मसीह निकले, स्वर्ग से आग गिरी और इन जातियों को मैं शैतान के जो है भस्म कर दिया। और लिखा है फिर कि शैतान को उस आग की झील में, जहां वो झूठा भविष्यवक्ता वो पशु, ये शैतान के 3 रूप जो अध्याय नंबर 12 में और 13 में वहां बताए गए थे, उनमें से 2 ऑलरेडी जो है उस लेक ऑफ फायर में, उस नरक के कुंड में जो जलता रहता है, वहां डाल दिए गए थे। वहां ये शैतान भी उन तमाम दूतों के साथ, में डाल दिया गया, और इनका जलना 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 1-2 लाख वर्ष, 1-2 करोड़ वर्ष, 1-2 अरब खरब वर्ष नहीं, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। और इसके साथ उन लोगों का भी जलना इसी जगह में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और ये हमें बताता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और जो है इसके बाद में जो प्लैनेट पृथ्वी है वो तो समाप्त हुई गई, और अंतिम न्याय और फिर अनंत जीवन और अनंत नरक, ये वो सेटिंग। और जो ये मागोग है, और जैसा गोग और मागोग, इनको जो कहा गया है, इनकी भविष्यवाणी जो है यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 39वां अध्याय 2 आयत, ये वो राष्ट्र है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आए, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में आए, ये वो राष्ट्र थे। और इन्होंने उस परमेश्वर के पवित्र नगर को घेर लिया, ये सोच करके कि हम इसका सत्यानाश कर देंगे, और शैतान हमारा लीडर है, पावरफुल, भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म और सब कुछ वो जानता है। लेकिन परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरी और जो है इन सब को जो है उस अनंत आग में जो परमेश्वर ने बनाई थी वह डाल दिया। एंड ऑफ विकेडनेस, दुष्टता का अंत हो गया। शैतान और वे डीमंस जो स्वर्गदूत थे, जिन्हें डीमंस कहा गया था, वे भी और वे लोग भी जो शैतान के पीछे हो लिए थे, वो इस अनंत नरक में डाल दिए गए। और ये गोग और मागोग, ये वो जातियां थी जिनका वर्णन यहेजकेल में आया, जकरिया में आया, प्रकाशित वाक्य के 16 और 20 अध्याय में आया। ये वो जातियां थी,
ये वो लोग थे जो परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध तैयार, गोग और मागोग, ये वो जातियां थी जो प्रभु के विरुद्ध तैयार हुई, और प्रभु ने इनको जो है शैतान के साथ नरक में, इनका भी भाग हो गया, इनको भी डाल दिया। सो सारे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया था, सारे लोग मैं शैतान के, सारी शक्तियों के उस अनंत आग में मागोग और गोग जो है, जैसा लिखा गया, पवित्र नगर को घेर लेंगे और ऐसा लगेगा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन आग स्वर्ग से गिरी और पूरे गोग और मागोग को, पूरे रास्तों को, और एक प्रकार से यूं कहें पृथ्वी का अंत आ गया, पृथ्वी समाप्त हो गई और प्रभु का राज्य हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गया। सो प्रभु चाहता है या तो आप उसके साथ में हैं या आप उसके विरोध में हैं, और ये वो फाइनल युद्ध था जिसका वर्णन जो है 20वें अध्याय के 7वीं आयत से किया गया था। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दें, आए दुआ धन्यवाद देते हैं कि हमारी योग्यताओं के कारण नहीं, हम में कोई अच्छी बात थी इसलिए नहीं, लेकिन आपके प्रेम के कारण जो मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, आपने हम पर दया करी, आपकी करुणा हमारे जीवन से उत्तम प्रभु, और आपने अपने वचन को जो है 1500 सालों में जो है अपनी आत्मा के द्वारा जो है लिखकर हम तक पहुंचाया, और इन अंत के दिनों में आपने चाहा कि आपके लोगों पर आपके रहस्यों को प्रकट करें। हमें मालूम है प्रभु कि आप बहुत जल्दी आने वाले और अपने वचन को अपनी आत्मा के द्वारा उन लोगों को आप समझाना चाहते हैं जो आपके पीछे ईमानदारी और सच्चाई से चलना चाहते हैं। सो प्रभु अपने आप को सशरीर प्राण और आत्मा समेत आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और I am the Lord, there is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.